एंड के लिए है, टोक टोक डर डर, आर के लिए नहीं है, ना है एंड खा है, डर डर डर। चलिए देखते हैं, दोनों क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। आपने ज्यादातर ने सही आंसर दिया है, चेक कर लेते हैं। अब देखिए, आपने देखा इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में, यानी कि इन दो सेंटेंसेस में कॉमन क्या आ रहा है। तो आपने देखा इन दोनों सेंटेंस में कॉमन है गुड, क्या है गुड। तो आपने इन दोनों लाइन लाइन में जब देखा तो आपने देखा डी ए आर और डी ए आर, दोनों में क्या है कॉमन है गुड और गुड, ठीक है। तो एंड के लिए जिन्होंने डार लिखा है वो तो गलत है, ठीक है, एंड के लिए तो है नहीं। चलिए ठीक है, अब आपने नीचे देखा, नीचे क्या देखा आपने, आपने देखा कि यहाँ पर बेड है, यहाँ पर भी बेड है, तो इन दोनों लैंग्वेज लाइन में क्या कॉमन है। आपने देखा इन दोनों में कॉमन है टॉक, इन दोनों में क्या है टॉक। इसी तरीके से आपने देखा, एक बार और आपने देखी, क्या देखा आपने, आपने देखा एक तो आर यहाँ पर है, एक आर यहाँ पर है, इन दोनों में आर कॉमन है। तो आपने देखा हाँ यहाँ पे ना है, यहाँ पे ना है, अब आप समझ गए। बाकी अब और इसमें कोई कॉमन चीज नहीं रह जाती, अब बाकी कोई भी कॉमन वर्ड हमें यहाँ नहीं दिख रहा। कोई भी कॉमन वर्ड जब हमें यहाँ नहीं दिख रहा तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि इसमें रह गया दे, क्या रह गया दे, तो इसमें क्या रह गया टिम, तो इसका मतलब दे के लिए जो वर्ड है वो है टिम। मेरी बात समझिए, क्योंकि अब इन दोनों के लिए तो कोड है लेकिन दे के लिए कोड नहीं है, हमें कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन हमें पता चल गया इसमें अकेला दे रह गया, इसमें अकेला टिम रह गया, तो दे के लिए डेफिनेटली कौन सा वर्ड रह जाएगा, टिम रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऊपर वाली लाइन में आपने देखा एंड है, एंड सिर्फ एंड रह गया, बाकियों के कोड हमें मिल गए हैं, इसमें क्या रह गया है पा। तो अब ये अंडरस्टूड है कि जब इसमें कोई और वर्ड नहीं रह रहा एंड के अलावा, और यहाँ पे भी एंड के ये पा के अलावा और कोई वर्ड नहीं रह रहा, तो इसका मतलब एंड के लिए कोड है पा, एंड के लिए क्या कोड है पा। और यू के लिए, अगर वो यू के लिए पूछ लेता तो यू के लिए कोड है पिट, यू के लिए कौन सा कोड है पिट। सॉरी पा है, बिल्कुल। तो इतनी जल्दी नहीं करनी है आपको कि क्वेश्चन गलत हो जाए, इतना स्लो भी नहीं रहना है कि टाइम निकल जाए। तो होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी कि कैसे हमको कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चंस में दिए गए क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है और उनको फाइंड करना होता है। तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें यही कॉमन वाला वर्ड आएगा और कॉमन वाले शब्दों को ही आपको सोल्व करना है। जो कॉमन नहीं होगा उसके लिए फिर एक अकेला शब्द बच रहा होगा और कोई बात नहीं होगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर कॉमन नहीं आएगा, अगर कॉमन नहीं आएगा तो माय डियर वहां पे शब्द ही एक बच रहा होगा। जैसे इसमें क्या बच रहा है दे, तो इसमें क्या बचा टिम, तो दे के लिए क्या वर्ड होगा टिम ही होगा, भले कॉमन नहीं आ रहा हो लेकिन क्योंकि उस सेंटेंस में यही शब्द बचे हैं दोनों तरफ, एक कोड में भी और उसमें भी, तो वही उसका क्या होगा कोड होगा। तो आपका एग्जाम, जो भी आप एग्जाम दोगे इसी तरीके का उसमें सवाल आएगा, इससे टफ नहीं आएगा। टफ भी आते हैं सवाल इसमें, इतने टफ आते हैं कि आपसे होंगे भी नहीं, लेकिन उतने टफ सवाल करने का कोई समय सेंस नहीं बनता जब वो आपके एग्जाम में ना आ रहे हो। तो ये एक समस्या है जो मैंने आपको बता दी है। इस तरीके के सवाल आपको आर्टिफिशियल लैंग्वेज के मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये तो हो गया जो कोडिंग डिकोडिंग की लैंग्वेज में था, ठीक है, ये तो सवाल हो गए उस टाइप के जो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल लैंग्वेज की कोड में आएंगे। अब सवाल जो है वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज की कोड में ना आके वो एक अलग तरीके से भी आपको दे सकता है। जैसे आप देखेंगे बिल्कुल वही टाइप है, ये उससे आसान है लेकिन टाइप है तो इसलिए मुझे आपको बताना है। उससे आसान है जो आपने अभी किया, उससे आसान है, लेकिन अगर मैं पहले ये करा देता तो फिर वो आपको टफ लगता जो आपने अभी किया है, इसीलिए मैंने ये बाद में कराने का फैसला लिया। जैसे वो कह रहा है 1 2 3, वो कह रहा है वन, कह रहा है 1 2 3, इसका मतलब है ब्राइट लिटिल बॉय। उसने कहा 1 4 5, इसका मतलब है टॉल
बिग बॉय, ठीक है जी। और उसने कहा 6 3 7, इसका मतलब है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, उसने ये आपको कोडिंग में भाषा दी। अब देखिए, आपको ये सवाल आसान लग रहा होगा क्योंकि आपने इससे भी डिफिकल्ट सवाल आर्टिफिशियल लैंग्वेज वाला कर लिया। अब उन्होंने आर्टिफिशियल लैंग्वेज की जगह किसी भी चीज को किस में बांध दिया, न्यूमेरिकल कोड में बांध दिया। अब देखिए, आप मुझे पता है आसानी से आंसर दे दोगे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए ब्राइट के लिए कौन सा नंबर है, ब्राइट के लिए कौन सा नंबर है, चलिए बताइए। आप आसानी से बता देंगे, मुझे बिल्कुल भरोसा है आप पे। बताइए सभी लोग, शाहिदा, शबनम, तुबा, फिजा, आप बात करते रहेंगे ना तो मुझे अच्छा लगता रहता है कि हाँ आप लोगों से मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग रिप्लाई कर रहे हो तो उससे फायदा होता है, काफी अच्छा लगता है। फिर यही एक इंडक्शन का ओनली वे है, तो जब आपसे बात करते हैं तो पता चल जाता है कि आप रहा है या नहीं हो रहा है। तो ब्राइट के लिए क्या कोड है, तो मैं देखता हूँ। 2, शाहिदा ने आंसर दिया 2, 1 के लिए बॉय, 3 के लिए लिटिल, ठीक है 2 है जी, 2 है, 2 है, वाओ सबने आंसर दिया 2, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। देखते हैं ब्राइट के लिए, ब्राइट यहाँ है तो मैं देख रहा हूँ क्या किसी में ब्राइट कॉमन है, आपने देखा ना ब्राइट इस सेंटेंस में, ना इसमें ना इसमें है, तो इसका मतलब कॉमन से तो इसका आंसर आएगा नहीं। तो दूसरा तरीका यह है कि इसमें जो बाकी 2 शब्द दिए गए हैं उनका कॉमन ढूंढ लिया जाए। भाई ब्राइट कॉमन होता तो हम एक ही बार में बता देते ब्राइट के लिए क्या कोड है, लेकिन ब्राइट के लिए नहीं है, यानी कि ये बचना चाहिए लास्ट में, तो लिटिल और बॉय। तो आपने देखा बॉय यहाँ पर भी है, बॉय यहाँ पर भी है, तो आपने देखा वन यहाँ पर भी है, वन यहाँ पर भी है, तो बॉय के लिए तो हो गया वन, चलिए ठीक है। अब देखो लिटिल, लिटिल यहाँ पे है और लिटिल यहाँ पे भी है, तो लिटिल यहाँ पे भी है, लिटिल यहाँ पे भी है, इन दोनों में जब आपने देखा कॉमन यहाँ पे देखा तो आपने देखा 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो ब्राइट के लिए सिर्फ एक ही कोड बच गया 2, तो ब्राइट के लिए क्या आ गया आंसर 2। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी कि इस तरीके से भी वो कल को एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन दे सकते हैं। अब देखिए इसी में एक हल्का सा टाइप मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है उसको सोल्व करना है। तो अब आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि बताइए ब्यूटीफुल के लिए क्या कोड है, ब्यूटीफुल के लिए क्या कोड है, ब्यूटीफुल के लिए बताइए क्या कोड है, आप बताइए। यही इसका टफ वेरिएंट है, एक स्टेप टफ। हालांकि मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं जो भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। अब ब्यूटीफुल के लिए उसने पूछा क्या कोड है, छः, साहिदा ने 6 आंसर दिया है, तुबा अलमस ने कहा है 6 या 7, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फिजा आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, आपने अभी तक एक बार भी रिप्लाई शायद एक बार किया है, 2 बार, आपको आप शायद उस तरीके के स्टूडेंट हैं। अच्छा 6, क्योंकि कॉमन नहीं है लेस लाइन में, इस लाइन में 6 शबनम को, तो कॉमन नहीं है तो 6 क्यों हो सकता है, आप मुझे बताइए, कॉमन नहीं है तो 6 क्यों हो सकता है, 7 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लिटिल बीच में है, यहाँ पे भी बीच में है, तो ऐसे तो बॉय लास्ट में है, यहाँ पे वन स्टार्टिंग में है, नहीं मेरी बात समझे, यहाँ पे लिटिल बीच में है लेकिन 3 यहाँ पे लास्ट में है, तो ये तो कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है 7 है, वही तो 7 है, शबनम 7 है, 6 है, चल 6 या 7 हो। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ब्यूटीफुल के लिए 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 या 7 हो सकता है, 7 या 6 हो सकता है,
बताइए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। चलिए ये वाला लास्ट वाला मैंने गलत ऑप्शन दे दिया आपको। ये 6 या 7, ये 4 और 5 ऑप्शन आपके, 4, 7, 2, 6 और 6 या 7, बताइए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे ब्यूटीफुल के लिए। 6 या 7, ऑप्शन 4 नहीं, 5 है शायद। 4? 4 कैसे चुनेंगे, 4 तो लाइन में है ही नहीं, 4 तो लाइन में है ही नहीं, 4 तो ऊपर वाली लाइन में, टॉल और बिग में, तो 4 तो आने का नहीं है। तुबा अलमस ने आंसर दिया 6 या 7 वाला ऑप्शन, साहिदा बानो ने ऑप्शन नहीं दिया 7 का, शबनम फिजा 6 क्योंकि कॉमन नहीं है इस लाइन में। ओके शबनम को सर दोबारा से जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। साहिदा, शबनम, तुबा, फिजा, 6 6 6, नहीं इसका आंसर आएगा 6 या 7, 6 या 7, क्योंकि ब्यूटीफुल के लिए जब हम डिसाइड नहीं कर सकते, मैं अब आपको रीजन दे देता हूँ, जब आप डिसाइड नहीं कर सकते, कॉमन निकाल के एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा वर्ड है, तो ब्यूटीफुल के लिए 7 भी हो सकता है, ब्यूटीफुल के लिए 6 भी हो सकता है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आपको जरूर ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिससे आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो ऑप्शन भी ऐसा मिलेगा जिसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जिससे ये पता चलेगा कि दोनों चीजें संभव है, जो मैंने आपको ऑप्शन दिया ब्यूटीफुल के लिए। ये भाई देखिए, लिटिल के लिए 3 तो कंफर्म है कि ब्यूटीफुल के लिए 3 नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो लिटिल जो है वो आ गया 3 के लिए। अब ब्यूटीफुल और फ्लावर के लिए या तो 7 है या 6 है, अब ब्यूटीफुल के लिए या तो 6 हो सकता है या 7, इसी तरीके से फ्लावर के लिए 7 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा कि ब्यूटीफुल के लिए बताइए क्या कोड हो सकता है, तो आपको कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं चूज करना, ना तो 6 ना 7, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि 6 आएगा उसके लिए या 7 आएगा। तो जब डिसाइड नहीं कर सकते तो ऑप्शन में एक जरूर ऑप्शन होगा जो दोनों को डिनोट करता होगा कि या तो 6 होगा या 7 होगा, इन दोनों में से एक जरूर है, इन दोनों में से एक जरूर है। और सेम कंडीशन किसके साथ है, फ्लावर के साथ है। वो पूछे फ्लावर के लिए क्या कोड है, तो उसको है कि या तो 6 होगा या 7 होगा, ना तो दोनों में से एक है ना दोनों है। ठीक है, बिल्कुल आपका सही था तुब्बा। अच्छा ऑप्शन वाला एक और खेल कर जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन वाला एक खेल और करेगा आपके साथ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे सवाल देखिए टफ ऑप्शन से ही हो जाता है, आपको क्वेश्चन का टफ करने की जरूरत ही नहीं, वो सवाल टफ हो ही जाता है। देखिए कैसे, उसने पूछा ब्यूटीफुल के लिए कोड बताइए, ब्यूटीफुल के लिए उसने क्या दिया, 3 4 2 7, कोड दिया 3 4 2 7। अब आपसे पूछ रहा है ब्यूटीफुल के लिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, बताइए। आपका कंफ्यूजन और बढ़ाता हूं, 7 ठीक है, साहिदा, शबनम, तुबा, आलम, फिजा, बताइए आप सब लोग रिप्लाई कीजिए। साहिदा 7 आंसर है, ठीक है, तुबा का आ गया, साहिदा का आ गया, शबनम आपका क्या आंसर है, फिजा आपका क्या आंसर है, 7 या 6, शबनम को है बिल्कुल 7 या 6, लेकिन 7 या 6 मैंने ऑप्शन में नहीं दिया इस बार, शबनम 7 या 6 मैंने ऑप्शन में नहीं दिया, फिर आपको डेफिनेटली होना पड़ेगा, डेफिनेट होना पड़ेगा, यस 7। फिजा आपका आंसर नहीं आया बिल्कुल, क्योंकि आपको क्या पता है कि 4 ऊपर वाली लैंग्वेज में है, ये जो 3 है ये तो ऑलरेडी लिटिल के लिए डिफाइन हो चुका है, तो ये तो ब्यूटीफुल के लिए हो नहीं सकता, तो 3 कट गया, 4 इस लाइन में ही नहीं है, 4 ऊपर की लाइन में है और वहां ब्यूटीफुल का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो 4 कट गया, 2 ऊपर वाली लाइन में, यहाँ भी ब्यूटीफुल का कोई जिक्र नहीं है, 2 कट गया, 7 बचा, 6 या 7। अब हम डिसाइड तो नहीं कर सकते 6 है या 7 है, लेकिन जब हम पेपर देने जा रहे हैं तो एक ऑप्शन तो चुनना ही है हमें, तो हमारे पास चाहे 7 सही आंसर ना हो, मैं क्या कह रहा हूं 7 सही आंसर ना हो, लेकिन इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट आंसर 7 है, इसीलिए मुझे 7 पिक करना पड़ेगा, भले ही मैं डिसाइड नहीं कर सकता उसके लिए 7 है, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं कि उसमें जो बेस्ट आंसर है वो 7 है। मेरी बात की गहराई को समझे आप, मैं ये नहीं कह रहा
कि सात बिल्कुल सही आंसर है कि ब्यूटीफुल के लिए सात ही इस्तेमाल होगा, लेकिन क्योंकि तीन जो है वो लिटिल के लिए रिजर्व हो गया, फोर का उस लाइन से कोई मतलब ही नहीं, और जिस लाइन तो ब्यूटीफुल है ही नहीं तो चार भी नहीं हो सकता, दो ऊपर ब्यूटीफुल है ही नहीं वहां तो लिटिल ब्राइट बॉय है तो दो भी नहीं हो सकता ब्यूटीफुल के लिए। तो अब इन चारों ऑप्शन में तीन चार दो सात में से सबसे अच्छा ऑप्शन सेवन है, क्योंकि इसकी संभावना है कि ये ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन बाकी तीन की तो संभावना ही नहीं है कि वो ब्यूटीफुल हो जाए, तो इसीलिए सेवन को आपको टिक करना पड़ेगा, चाहे भले ही आप ये बात ना डिसाइड कर पाए कि ब्यूटीफुल के लिए छह है या सात है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन सेवन था, इसीलिए मुझे सेवन पिक करना पड़ेगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, कि जरूरी नहीं हर बार आपको डेफिनेट आंसर ही मिलेगा, लेकिन कई बार आपको अपने ऊपर प्रयास करके ढूंढ के ये देखना पड़ेगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। बिल्कुल उसी हिसाब से करना। मुझे लग रहा है मैंने आपका कन्फ्यूजन बढ़ा दिया है, आप लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि आप लोगों ने रिप्लाई भी नहीं किया है, सुबह ने रिप्लाई किया है सिर्फ। फिजा, शबनम, शाहिदा, आपको या तो समझ नहीं आया या मेरी बात अभी अच्छे से आपके दिमाग में नहीं बैठी कि सेवन क्यों सही आंसर है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल दे दें। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आ गया है, ओके थैंक यू थैंक यू। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, देखिए चलिए सुनिए वो क्या कह रहा है। उसने कोड दिया 617, 617, और इसको वो कह रहा है, इसको कह रहा है स्वीट एंड हॉट, स्वीट एंड हॉट। इसी तरीके से वो कह रहा है 735, वो कह रहा है कॉफी इज स्वीट, कॉफी इज स्वीट, और वो कह रहा है 263, इसका मतलब है टी इज हॉट, टी इज हॉट। ठीक है माय डियर, अब वो आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है, बताइए कॉफी इज हॉट, इसके लिए वो आपसे कोड पूछ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये कॉमन सवाल है जो उसने पूछा है, जो आपके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी लगभग लगभग 100% की है कि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा आएगा, क्यों? क्योंकि इसका जो स्तर है वो आपको आसान है, और एक नॉर्मल आईक्यू वाला बच्चा इस सवाल को आसानी से कर सकता है, जिसको कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया उसको इस सवाल को करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, अब देखना ये है कि अब इसमें हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना, आप लोग इसे सोल्व कर दें तो मैं ज्यादा अच्छा मानूंगा, नहीं तो मैं सोल्व करता हूँ। 736, थोड़ा जल्दी कर दिया शाहिदा, शायद आपने एक बार और ट्राई कीजिए, थोड़ा सा आपने शायद जल्दी कर दिया है, आप एक बार और ट्राई कीजिए, और बच्चों से भी मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि वो एक बार और अच्छे से देखें। बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड किस किस को नहीं दिख रहा? टुबा को बोर्ड नहीं दिख रहा है, आप में से और किसी के साथ ये समस्या है कि बोर्ड नहीं दिख रहा है या विजिबल नहीं है? टुबा अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है तो आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब दिख रहा है, ओके चलिए 236, 536, 736,
शाहिदा, बिल्कुल 536 इज द आंसर, आपने बिल्कुल सही निकाला। चलिए ट्राई करते हैं अब कैसे कैसे आंसर निकला है। तो अब सबसे पहले तो कॉमन ढूंढ लेते हैं। आपने देखा यहाँ पे कॉमन है स्वीट, क्या कॉमन है? स्वीट। तो आई अंडरस्टूड जब इन दोनों सेंटेंस में स्वीट कॉमन है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई वर्ड कॉमन होगा इन दोनों में भी। तो आपने देखा यस सेवन इज कॉमन, सेवन क्या है? कॉमन है, तो स्वीट के लिए तो कॉमन हो गया। आगे आपने देखा अच्छा इज, यहाँ पे क्या है? इज इज, तो इन दोनों में देखा आपने, अरे यहाँ पे थ्री कॉमन है, यहाँ पे कौन है? थ्री कॉमन है, तो इज ही तो चाहिए था, इज के लिए चाहिए था मुझे, तो इज के लिए तो मुझे मिल गया कि थ्री है। ओके और देखिए आपने देखा, अरे यहाँ पे हॉट है, क्या है? हॉट, दो कॉमन है, तो आपने देखा यहाँ पर और यहाँ पर सिक्स कॉमन है, क्या कॉमन है? सिक्स, तो हॉट के लिए मुझे पता चल गया क्या आ गया? सिक्स आ गया। अब आप मुझे बताइए शाहिदा, आपको डाउट था, अब आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। अब देखिए कॉफी कॉमन नहीं है, कॉफी क्या है? कॉमन नहीं है, और इस वाली लाइन में ये जो लाइन है जिसमें कॉफी इज स्वीट लिखा हुआ है, इसमें कॉफी रह गया और फाइव रह गया है, तो बताइए इज के लिए क्या हो गया? थ्री हो गया, इज के लिए क्या हो गया? थ्री, स्वीट के लिए क्या हो गया? सेवन, स्वीट के लिए क्या हो गया? सेवन। अब क्या मैं ये नहीं कह सकता कि पांच जो है वो डेफिनेटली कॉफी के लिए होगा? पांच जो है वो डेफिनेटली कॉफी के लिए होगा? फाइव, बिल्कुल फाइव जो है वो डेफिनेटली किसके लिए होगा? कॉफी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर रहे, हमें यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं बच रहा कि सेवन, तो क्योंकि सेवन ऑलरेडी स्वीट के लिए हो गया, इज ऑलरेडी थ्री के लिए हो गया, तो कॉफी के लिए जो कोड बचा वो पांच ही है, ये तो हो गया निश्चित कि अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉफी के लिए फाइव ही है, तो कॉफी इज हॉट के लिए तो कोड बन गया 536। ओके अब मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं, जो आपको कंफ्यूजन हुआ, जो आप लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड कर पाए या कोई भी समस्या रही आपको। अब देखिए ऐसा होता के कॉफी इज की जगह यहां लिखा होता आर, कॉफी इज की जगह यहां पे लिखा होता आर, ठीक है, और आर होने की वजह से अब आपको पता चल गया भाई स्वीट के लिए तो वर्ड आ गया सेवन, स्वीट के लिए तो वर्ड आ गया सेवन, खत्म हो गया। अब कॉफी और आर बचा, कॉफी और आर, अब क्योंकि इज हटा दिया तो इज कॉमन नहीं रहा, तो इज के लिए थ्री रहा भी नहीं, ठीक है, इसके लिए थ्री रहा भी नहीं, अब कॉफी और आर रह गया, और यहाँ पे वर्ड है तीन और पांच, दो वर्ड रह गया, क्योंकि अभी जब थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे तो इज के लिए थ्री आ गया था, कंफर्म हो गया था, तो सिर्फ पांच था तो वो कॉफी के लिए था। ओके लेकिन अब तीन भी है और पांच भी है, इधर कॉफी भी है, तो इस स्थिति में अगर कोई पूछे कि बताइए कॉफी के लिए क्या कोड है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कॉफी के लिए आप निश्चित रूप से ना तो ये कह सकते तीन आएगा या पांच आएगा, इन दोनों में से जब निश्चित नहीं कर सकते तो आपको ऑप्शन वही चुनना पड़ेगा जिसमें ये दोनों बात लिखी हो कि कॉफी के लिए या तो तीन होगा या पांच होगा। कोई आपसे पूछे कि आर के लिए बताइए क्या कोड है, तो आप ना तो कह सकते तीन है ना कह सकते पांच है, दोनों में से कोई एक है, यही ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। अब दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं, दूसरी कंडीशन पे बात करने का मतलब है आपको ये आइडिया देना कि आपको समझ आए कि क्या है, जैसे कॉफी, अब कॉफी के लिए ऑप्शन है तीन पांच दो, तीन या पांच, ये ऑप्शन है ए बी सी डी, तो देखिए कॉफी के लिए तीन हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, कॉफी के लिए पांच हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कॉफी के लिए तीन ही है या पांच ही है, कॉफी के लिए दो हो सकता है, नहीं हो सकता, दो तो उस लाइन में नहीं है तो दो तो हो ही नहीं सकता, काट दिया। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि तीन है या पांच है, तो जब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा तीन है या पांच है तो मुझे ऑप्शन डी ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि या तो तीन होगा या पांच होगा, कोई एक को मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता,
मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि तीन ही होगा, क्योंकि मेरे पास आर और कॉफी के लिए तीन और पांच कोड बचा हुआ है। तो तीन या तो कॉफी के लिए होगा या आर के लिए होगा, पांच या तो कॉफी के लिए होगा या आर के लिए होगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कॉफी के लिए तीन है या कॉफी के लिए पांच है। तो इसीलिए मुझे ऑप्शन चुनना पड़ेगा डी, तीन या पांच वाला। क्लियर? आगे दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं आपको, जो हम अभी मैं जिस पे बात कर रहा था वो आपको ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है? जैसे अब ऑप्शन ये ना हो कि जो मैंने लिखे हैं, अब ऑप्शन आपके हैं ये, ऑप्शन है ये 3 7 2 6, 3 7 2 6। अब आपको पता है ये जो 7 है, ये जो 7 है स्वीट के लिए रिजर्व है, ये जो 7 है ये स्वीट के लिए रिजर्व है, तो 7 नहीं हो सकता। 2 का इस लाइन में कोई मतलब ही नहीं है, 2 इस लाइन में है ही नहीं, तो ना कॉफी के लिए हो सकता ना आर के लिए हो सकता, तो 2 खत्म हो गया। 6 है, 6 भी नीचे वाली लाइन में है, ऊपर वाली लाइन में है ही नहीं, तो कॉफी के लिए 6 भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचा 3, सिर्फ 3। अब आपको मैं यही कहना चाह रहा हूं, कॉफी के लिए अभी भी हम निश्चित नहीं कर सकते 3 है या 5 है, ये बात हम अभी भी निश्चित नहीं कर सकते कॉफी के लिए 3 है या 5 है, लेकिन ऑप्शन में उसने 5 नहीं दिया, सिर्फ 3 दिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन 3 है, सबसे बेस्ट ऑप्शन 3 है कॉफी के लिए। क्यों? 7 तो स्वीट के लिए रिजर्व हो गया, 2 उस लाइन में है ही नहीं, 6 भी उस लाइन में नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 3 जो है वो सही आंसर नहीं है, सही आंसर तो इसका क्या है, 3 या 5। लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है 3 या 5 वाला ऑप्शन, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है, 3। क्या है? 3। और यदि कल को हमें पता चले कि 3 ना देके वो दे दे 5, तो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन इन चार ऑप्शन में 5 होगा, क्योंकि कॉफी की 5 होने की संभावना तो है, लेकिन 7 2 और 6 होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी। 3 3 है। हाँ एक सवाल है, बताइए बताइए, सवाल बताइए आप, 3 या 5, 3 या 5 जी। नहीं तो वो आप समझे नहीं, देखिए आप समझे नहीं, ये तो सवाल मैंने अपनी तरफ से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिया, 3 या 5। इस सवाल में जो उसने पूछा है, जो बेसिक सवाल है, उसमें तो आपने निकाल दिया ये, उसमें तो आपने सब कुछ निकाल तो चुके थे आप, कॉफी इज हॉट 5 3 6 हो गया था, वो तो मैंने सवाल बनाया है, नहीं समझे आप भाई? 5 3 6 वो तो कॉफी के लिए आ गया था, वो 3 5 का वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप अब गलत चले गए। मैंने क्या बताया आपको कि कॉफी इज हॉट के लिए तो हम 5 3 6 यहाँ देखकर निकाल चुके हैं, ये 5 3 6 निकाल चुके हैं, क्योंकि वो ऑप्शन बन रहे थे, यहाँ पे आर की जगह इज लिखा हुआ था, तो इज कट जा रहा था और इज के लिए 3 आ गया था, तो यहाँ पे 3 जो है वो इज के लिए था, वो कॉफी के लिए तो फिर 5 ही बच रहा था, वो तो सोल्व कर चुके हम। हाँ ये तो मैंने सवाल आपको बताया कि जब 2 ऑप्शन आ जाए तो कैसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही माय डियर, आपसे मिलेंगे कल की क्लास में, और आज इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा है जो आपको बताना है मुझे, जितने टाइप के सवाल थे वो सब मैं आपको दे चुका हूँ, जितने तरीके के कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने आपको दे दिए हैं। अब आपसे मेरी उम्मीद है कि आप अपना इसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको मैंने रीजनिंग की बुक ऑलरेडी करी हुई है इसमें अपलोड, और यदि आपके पास नहीं है तो आप प्लीज़ कहीं से भी अरेंज करके बुक के इसके चैप्टर के कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी सवाल हैं वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप PDF अटैच करके या फोटो खींच के चैट में भेज सकते हैं, मैं वहाँ से चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहें, बढ़िया से पढ़ाई करें और अपना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। थैंक यू।